उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए, गैर भाषाओं में, अपनी भाषा में थैंक यू जीसस बोलते हुए, खुदावंत तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए, अंधकार की शक्तियों से चुरा ना पाए। अपने हाथों को उठाओ और मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, तारीफ करो जोर से खुदावंत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46 और उसकी 31 से लेकर 34 आयत। तब यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को समाचार दूंगा कि मेरे भाई, मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वो मेरे पास आ गए हैं। वे लोग चरवाहे हैं क्योंकि पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तब कहना कि तेरे दास छोटे होते से ही पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास ये समाचार दिया कि मेरे पिता, भाई, भेड़ बकरियां, गाय बैल, जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी वो गोशेन देश में है। उत्पत्ति 47 उसकी 5 से लेकर 6 आयत। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरा भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वो गोशेन ही देश में रहें, और यदि तू जानता हो तो उनमें से जो परिश्रमी पुरुष हैं उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। सब बोलो आमीन। अब 47 उत्पत्ति 11 और 12 आयत में लिखा, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र के सबसे अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया, और यूसुफ अपने पिता का, भाइयों का और पिता के सारे घराने का, एक एक के बाल बच्चे के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। आमीन। बाइबल कहती है कि जब यूसुफ ने अपने अपने राजा को कहा कि मेरे बाप, मेरे बच्चे, जो मेरे सब परिवार है वो आ गया है, तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि तुम उनको बताना कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा बिजनेस है पशुओं को पालने का। लेकिन वचन ये कहता है कि मिस्री लोग जो थे वो पशु पालन से, चरवाहों से नफरत करते थे, लेकिन वचन ये कहता है कि उस नफरत के बावजूद भी उनको बेस्ट देश दिया गया, जहां पर गोशेन देश जो था वो पूरा ग्रीन था। मिस्र देश में एक ऐसी, अगर आप मिस्र देश में जाएंगे तो वो पूरा एक एक आपको रेगिस्तान की तरह नजर आएगा। वहां एक नील नदी है जहां पर नील नदी के किनारे पे 97-95% पॉपुलेशन, और उस समय में तो 99% जो पॉपुलेशन थी वो नील नदी के किनारे रहती थी, और कोई रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। और बाइबल कहती गोशेन देश जो था वो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ था, बावजूद इसके कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे, फिर भी उनको बेस्ट देश मिला, वही देश मिला जो उसका बेस्ट था मिस्र का, बावजूद इसके कि वो उससे नफरत करते थे। रीजन क्या था इसका? नीति वचन 3 उसके 3-4 में लिखा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, कृपा और सच्चाई को अलग मत करना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हैं। बाइबल कहती आप लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। पौलुस कहता है तुम दुनिया से, परमेश्वर ने तुमको अलग करके तुम्हें एक बाउंड्रीज के बीच में ठहरा दिया है। तुम स्वतंत्र तो हो लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते जो अन्य जाति लोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आजाद तो किया है पर अपनी आजादी को पाप के लिए यूज नहीं करना। अब जब बाइबल कहती है कि वो कहानी शुरू होती है यूसुफ से, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े फेवर का रीजन कि यूसुफ ने पोतीपर की पत्नी के साथ सेक्स नहीं किया और वो पाप में नहीं गिरा, ये रीजन था उसका इतनी बड़ी ब्लेसिंग अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखने का। जब यूसुफ
पोतीवर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला तो बाइबल कहती है उसने मना किया और कहा कि तेरे पति ने सब कुछ, सारा बिजनेस, सारा घर मेरे हाथ में कर दिया है, तो क्या ये सही होगा उसकी पत्नी पर भी हाथ डालना। और बाइबल कहती उसने मना कर दिया। उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसको इल्जाम लगवाकर उसको जेल भेजा, लेकिन बाइबल कहती जब वो जेल में था और सांकलों से बंधा हुआ था तो भी यहोवा का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक शरीर का काम आप और आपके परिवार और जनरेशन के नाश होने का कारण बन सकता है, और उसी शरीर के काम से फ्री होना आपकी और आपके जनरेशन की ब्लेसिंग का कारण भी बन सकता है। हम क्या कहते हैं, सरकार बुरी है, या हम क्या कहते हैं इकोनॉमी बुरी है, इकोनॉमी बैड हो गई, कोविड आ गया, अब उसके बाद यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ पड़ा है तो मेरा बिजनेस डाउन है। लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है मिस्री लोग जिन लोगों से घृणा करते थे, क्यों घृणा करते थे, मिस्र कहां से निकला, कनान से निकला था। कनान कहां से निकला, वो नूह के तीसरे बेटे से निकला था जिसने अपने बाप को नंगा देखा था, उससे निकला था मिस्र। और इसीलिए जो मिस्री लोग थे वो थे तो इसराइलियों के रिश्तेदार, लेकिन अलग हो चुके थे, दुश्मन बन चुके, जैसे भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और जो इसराइली थे वो ज्यादातर जिस तरह एसाव और याकूब, याकूब बाइबल कहती है कि भेड़ बकरी को चरवाही करने वाला बना, और एसाव धनुर्धारी बना, वो युद्ध करने वाला बना, शिकार खेलने वाला मनुष्य बना। तो इसराइली जो लोग थे वो चरवाहे थे। इसके बावजूद भी कि एक पूरा देश, उसका प्रधानमंत्री, उसका राजा, उसके लोग उनसे नफरत करने के बावजूद भी आप इमेजिन करो कि जब वो उस देश में जाते हैं तो बेस्ट पोर्शन उनको मिलता है। आपकी लाइफ में बेस्ट पोर्शन खुदा आपको देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में बेस्ट को देखने के लिए तैयार हो जाओ। बस एक काम करना है, यहां पे मैं आपको एक ही वचन देने के लिए आया हूं। ये वचन खुदावंद ने मुझे इस हफ्ते की शुरुआत से थोड़ा पहले दिया था, आज देने के लिए आप लोगों को। अगर आपने एक काम ये कर लिया, मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमी बैड हो, इकोनॉमी वर्स्ट हो, आपका देश यूएसए हो, सोमालिया हो, नाइजीरिया हो, इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बेस्ट हिस्से में रहेंगे इन जीसस नेम, आमीन। मुझे ऊंचे वाला चाहिए चर्च, हालेलुया। अब उसने जब मना किया कि मैं इस शरीर के काम को नहीं करूंगा और मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, हालेलुया, और वहां से उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। जब वो अपने शरीर के काम को मना कर देता है और वहां से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। यीशु मसीह ने कहा जब तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का ग्रेस तू पाएगा। आज आप जानते हैं आजकल का यूथ इतना कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि पवित्रताई में नहीं है। आप जानते हैं आजकल का यूथ इतना ब्रेक क्यों है, इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों है, क्योंकि पवित्रताई की कमी है लाइफ के अंदर। और जिस दिन ये कमी खत्म हुई आप इमेजिन करो बाइबल क्या कहती है। आप जानते हैं अगर आप इस स्टोरी को आगे पढ़ें, उत्पत्ति 47 उसकी 18 से 24 और 11 से 12 पढ़ें, तो वहां पे बाइबल कहती है जब सारे देशों में अन्न खत्म हो गया तो सारे लोग यूसुफ के पास जाकर अन्न मांगने लगे। तो पहले यूसुफ ने भेड़ बकरियां, गाय बैल के बदले में उनको अन्न देना शुरू किया। जब वो भी खत्म हो गए तो वो फिर आए, कहते अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें, कहते हमारे पास सिर्फ जमीन रहती है, तो वो अपनी जमीन दे देकर उससे अन्न खरीदने लगे। और बाइबल कहती है सारे मिस्र की जो धरती थी वो फिरौन की, राजा की हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। तो यूसुफ जो धर्मी था उसने कहा हम तेरे से पूरी जमीन नहीं लेंगे, तुम ऐसा किया करो जमीन अपने पास रखो, इसका 5% 20% जो है इसकी जमीन का तुम राजा को दिया करना और बाकी से अपना पेट पाला करना। समझ आई कि नहीं आई, लेकिन वहां एक वचन लिखा है, वहां लिखा है याजकों की भूमि यूसुफ ने अपने पास नहीं रखी। जब याजक लोग अन्न लेने के लिए आते थे तो बाइबल कहती है यूसुफ ने उनकी भूमि उधार नहीं रखी। याजकों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट था जो यूसुफ उनको देता था, बल्कि वचन यह कहता है कि मिस्र के राजा की मेज पर जो भोजन होता था वही याजकों की मेज के ऊपर होता था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले हमने क्या देखा कि जो इज़राइली थे परमेश्वर ने उनको
नफरत करते थे वो लोग, उसके बावजूद उन्हीं लोगों में से बेस्ट दिया, हां के ना। अब दूसरा बाइबल कहती है जब पूरे देश में अकाल था, पूरी दुनिया में अकाल था, पर याजकों को तब भी कोई भी कमी नहीं थी। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद वचन ये कहता है कि पहले याजक लोग सेवा करते थे आप लोगों के लिए, मेरे लिए, विश्वासियों के लिए। बाइबल कहती है वो लहू को बहाते थे और सेवकाई करते थे, परमेश्वर के सामने जाते थे। लेकिन नया नियम ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने लहू को बहाकर हमारा महायाजक बनकर और हम सबको राजा और याजक बनाकर इस दुनिया के ऊपर रखा है। अब बाइबल के मुताबिक जो याजक लोग हैं वो आप खुद हैं, क्योंकि आपको पाप माफ करवाने के लिए अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठकर खुदा से कह सकते हैं, खुदावन मेरे पाप को माफ कर, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, तौबा करती हूं, नेक्स्ट टाइम मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। बाइबल कहती है आप माफ हो जाते हैं। और वचन ये कहता है कि आप खुद एक याजक हैं, और वचन ये कहता है आप राजा हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत अगर आप पढ़ेंगे आपको यह वचन समझ आएगा। इसका मतलब क्या, जब पुराने नियम में याजकों की भूमि नहीं गई जबकि पूरी दुनिया की भूमि खत्म हो रही थी, कोई देश बचा नहीं था, कोई परिवार बचा नहीं था, अमीर से लेके गरीब हर बंदा अनमोल लेने के लिए अपना सब कुछ बेच रहा था, क्योंकि वचन कहता है कि 7 साल ऐसा अकाल पड़ा जो पृथ्वी के ऊपर कभी नहीं पड़ा था। कोई रेडी नहीं था कोविड के लिए, कोई रेडी नहीं था। रेडी था कोई? रेडी नहीं था। कोविड जैसे ही आया, बड़े बड़े देश जो बड़ी बड़ी पिक्चरें निकालते 20-20 हज़ार करोड़ की, सुपरमैन इधर जा रहा है, सुपरमैन इधर जा रहा है, कहां गए सारे सुपरमैन, गायब हो गए थे उस दिन। कोई काम नहीं आया क्योंकि तैयारी नहीं थी, कोविड की कोई तैयारी, अकाल की कोई तैयारी नहीं थी। बड़े से लेके छोटी कंपनी, बड़े से लेके छोटा परिवार, सब इफेक्टेड हो चुके थे, सबकी जमीन खत्म हो चुकी थी सिवाय याजकों के। और वचन क्या कहता है, तुम एक याजक हो। इसका मतलब पता क्या है कि लाइफ में कुछ भी हो, आपके देश में कुछ भी हो, आपके आपके सराउंडिंग कुछ भी हो, लेकिन आपका नुकसान खुदावन कभी नहीं होने देगा अगर आप एक सच्चे याजक हैं तो। याजक क्या करते थे, बाइबल कहती है वो सेवा करते थे। आज दिखाओ मेरे को विश्वासी चर्च में जो सेवा करने वाले विश्वासी हैं। मैं आपको सिरदर्द वाले विश्वासी दिखा दूंगा, फॉरेन ब्रांचेस में ज्यादा, जो अपने पास्टर्स को सिरदर्द ज्यादा देते हैं और सेवा कम करते हैं। लेकिन क्या इवेंजेलिज्म करते हैं, कभी नहीं गए। क्या आप अपने पास्टर के साथ मिलकर गली गली जाते हैं सुसमाचार बांटने के लिए, बोलते हैं हम बिजी हैं। एक रिक्शा वाला से लेके एक इलन मस्क तक सब बिजी हैं, कोई कोई फ्री नहीं। लेकिन जीसस ने कहा जब तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। किन लोगों के नुकसान हो रहे हैं जो सेवा में नहीं, कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं जो सेवकाई में नहीं, जो सिर्फ विश्वासी हैं, जस्ट चर्च जाकर ब्लेसिंग लेने की कोशिश करते हैं और यह नहीं मालूम कि अब बाइबल के मुताबिक तुम भी एक याजक हो और सेवा करने के लिए अपने परिवार समेत बुलाए गए हो। अपने पास्टर पर एहसान मत करो चर्च में जाके, क्योंकि तुम भी सेवकाई के लिए उसके साथ बुलाए गए हो। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि याजकों की भूमि उसने मोल नहीं ली। उत्पत्ति 47 उसकी 18-24 आए, मैं 22 में पढ़ूंगा, पर याजकों की भूमि तो उसने ना मोल ली क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था। नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे, इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी ना पड़ी। याजकों को अपनी भूमि बेचनी नहीं पड़ी, वो इस दुनिया की इकोनॉमी के इफेक्ट से आजाद थे। अगर आज आप फैसला करेंगे, पहला पवित्रताई में रहने का, दूसरा सेवा करने का, आप कुछ भी हो जाए, मैंने कहा कोई परमाणु हमला भी हो जाए आप सेफ हैं यीशु के नाम। कोई ऐसा इकोनॉमिक इफेक्ट आपकी कंट्री पे आ जाए लेकिन आप सेफ होंगे। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, कोविड के दौरान मैंने चर्चिस को बंद होते देखा, सेवकाइयों को बंद होते देखा, बिजनेसेस को बंद होते देखा, चीजों को खत्म होते देखा, परिवारों को खत्म होते देखा। आप खंबरा चर्च का इतिहास देख लो, उसके बाद हम 3 गुना 4 गुना 10 गुना शाइन किए हम। रीजन, क्योंकि जो खुदा, जो बाइबल का खुदा है वो मेरा खुदा है, आज भी वो जीवित है,
वो मुर्दा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं सेवा में हूं कि नहीं, या मैं पवित्रताई में हूं या नहीं। बिना पवित्रताई के बाइबल कहती तुम परमेश भी नहीं सकते। तुम तो चर्च में माइक लेके गा रहे होंगे, लोगों को मालूम है तुम गा रहे हो, लेकिन अगर तुम पवित्रताई में नहीं हो तो परमेश्वर को नहीं मालूम तुम गा रहे हो। वो पूछेगा भाई तुम कौन हो, बोले मैं गा रहा था। परमेश्वर कहा नहीं, मैं तुम्हें तो मैंने तो देखा ही नहीं कभी तुम्हें गाते हुए। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो वॉलंटियर बन के सबसे आगे था, नहीं मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, कौन हो तुम। उसने कहा पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला, और अगर तू पवित्रताई में नहीं है तू परमेश्वर को नहीं देख सकता, वचन कहता है। आप बोलेंगे मैं टाइदर हूं, कब दिया टाइद, मैं तो जानता ही नहीं तू कौन है तू। आप बोलेंगे परमेश्वर तू मुझे जानता नहीं, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हट जाओ और लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ, नरक में चले जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया। क्रिश्चियनिटी एक रियलिटी है अगर इसे जिया जाए तो, आमेन। ये एक रियलिटी है। बाइबल कहती है उसने याजकों की भूमि मोल नहीं ली। क्यों नहीं मोल ली उसने याजकों की भूमि? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को बेस्ट तेल, बेस्ट दाख, बेस्ट दुनिया की सबसे उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा, क्योंकि ये लोग मेरी सेवा में हैं। क्या कहा था जीसस क्राइस्ट ने 500 लोगों को जीवित स्वर्ग पर जाने से पहले, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्या उसने प्रेरितों को बोला? क्या उसने अकेला पास्टर्स को बोला? उसने सबको बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ। तो क्या आप जीसस की कमांड को पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सेवा में नहीं हो। अगर आप सेवा में नहीं हो आप याजक की कुर्सी छोड़ चुके हो। अगर आप याजक की कुर्सी छोड़ चुके हो तो जो लोगों के साथ हो रहा है आपके साथ भी वही हो रहा है। आपके घरों में भी वही कलेश है, वही बीमारियां हैं, वही श्राप हैं और वही इकोनॉमिक ऑपरेशन और डिप्रेशन है, क्योंकि याजकों की भूमि मोल नहीं ली गई। बाइबल कहती याजकों के लिए नित्य बंदोबस्त था उनके लिए। जब कोविड आया तो लोगों ने कहा कि अब देखते हैं चर्चिस कैसे चलती हैं। लोग बंद हो गए आने चर्चिस में, चर्च खाली पड़ी है, 100 एकड़ की चर्च खाली पड़ी है। अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। आप जानते हैं परमेश्वर कई बार ऐसे समयों को आने देता है ताकि लोगों को बता सके मैं इसके साथ हूं। वो बता सके कि वो पुराना इज़राइल का परमेश्वर, वो यूसुफ का परमेश्वर, वो इज़हाक का परमेश्वर, वो पत्रस और पौलुस का परमेश्वर, वो आज भी जिंदा है। वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है। आज तक मैंने इतनी चैरिटी लाइफ में नहीं की जो 2020 में कोविड के टाइम में हमने की, लाइफ में कभी नहीं की। एक दिन में 35-35 लाख का चावल, एक दिन में 12-12 लाख रुपए का चावल, एक दिन में ट्रक से ट्रक आते थे, कॉन्टिन्यूस राशन जाता था लोगों के घरों में। हालेलुया। कोविड में लोगों को जरूरत पड़ी लेकिन चर्च तैयार थी। आमेन। खुदावंद ने कहा याजकों की भूमि नहीं कहीं पे जाएगी। फिरौन की ओर से नित्य बंदोबस्त था। एक दुश्मन के हाथ से परमेश्वर ने बंदोबस्त किया। पूरे इज़राइल में अकाल पड़ा। परमेश्वर ने कहा एलिया जा और करीत नामक नाले में छुप जा, वहां कौवे तेरे को खाना खिलाएंगे। कौवा चुराने वाला जीव है। खाना किसी ढाबे पे मौजूद नहीं था, इतना अकाल था। बाइबल कहती है एक एक मुट्ठी आटा, एक एक बोरी आटे के लिए लड़ाइयां हो रही थी लोगों में। खाना कहां मौजूद था? सिर्फ राजा की रसोई में। और बाइबल कहती एलिया मांस और रोटी रोज तब तक खाता था जब तक वो कौवों को बस ना कह दे कि बस, क्योंकि वो याजक था। याजकों के लिए परमेश्वर का इंतजाम ऐसा है जैसा आम लोगों के लिए नहीं है। तो क्या आप सेवा में हैं? क्या आपका परिवार सेवा में है? क्या आपका फाइनेंस सेवा में लगा हुआ है? क्या आपके बच्चे सेवकाई में हैं? क्या आप सुसमाचार दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि इसमें आपका फायदा है, परमेश्वर का नहीं। आमेन। जो सेवा कर रहे हैं किसका फायदा है? उन लोगों का जो सेवा, याजक बन के किसका फायदा हुआ? याजकों का फायदा हुआ कि उनको भूमि देनी नहीं पड़ी, परमेश्वर ने उनकी भूमि को बचा के रखा।
हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आज आप फेथ करके जाएंगे, परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को पवित्रताई में, अलगताई में, सेवकाई में रखूंगा, मैं अपने शरीर को शैतान को नहीं दूंगा, एक शरीर का काम, सिर्फ एक, आदम को कहां तक लेके गया, सिर्फ एक शरीर का काम जो यूसुफ ने मना कर दिया उसको वो कहां तक लेके गया। बाइबल कहती है कि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। सारी सेवकाई, सारी क्रिश्चियन लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने शरीर को कितना फीड करते हैं, पाप से कितना दूर रहते हैं, आप परमेश्वर के साथ कितना अलगताई में रहते हैं, कितना सेवकाई में रहते हैं, परमेश्वर के साथ कितना जुड़े रहते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी सेवा करेगा मेरा बाप तेरा आदर करेगा, और जब परमेश्वर आदर करने पे आता है वो जबरदस्त करता है। आज क्यों फैमिलीज सेटिस्फेक्शन में नहीं, सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा को कभी सेटिस्फाइड नहीं किया। एक का मुंह इधर, एक का मुंह उधर, क्योंकि तुम्हारा मुंह भी परमेश्वर से दूर है, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड का मुंह भी तुमसे दूर है। तुमने परमेश्वर से बेवफाई की है, दुनिया ने तुमसे तुम्हारे साथ की, जो तुमने खुदा की लाइफ में बोया है वो तुमने काटा है। उसने कहा अगर तुम याजक हो वो ये भी ध्यान रखता तुम्हारा पार्टनर कौन है, वो तुम्हें चॉइस करने में हेल्प करेगा। अगर तुम याजक हो और पवित्रताई में चल रहे हो वो ध्यान रखेगा तुम कौन सा कैरियर चुनते हो, वो ध्यान रखेगा कि तुम सफल हो जिधर तुम जाओ, जिस जगह पर तुम जाओ। आमेन। हमें लगता है परमेश्वर बड़ी बातों की परवाह नहीं करता, बाइबल कहती वो छोटी से छोटी बात की भी तुम्हारी चिंता करता है। एक माँ को चिंता होती है किस कलर के कपड़े अपने बच्चों को डलवाने हैं, बाइबल कहती परमेश्वर तुम्हारी छोटी से छोटी बात की भी चिंता करता है। आमेन। इसलिए वचन कहता है कि याजकों की भूमि कहीं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि फिरौन की ओर से नित्य बंदोबस्त था। इमेजिन करो जिन लोगों से नफरत करते थे वो, चरवाहों से स्पेशल नफरत करते थे, और उन्हीं को कह रहे हैं कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट देश मिस्र का हम देंगे, वहां पे जाओ अपने भेड़ बकरियों को चराओ, वहीं पे रहो, बेस्ट हिस्सा इस देश का मैं तुम्हें देता हूं। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने एक बीज बोया था कि बाइबल कहती वो हिला नहीं, उसने अपने शरीर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, अपने काम की पूर्ति नहीं की, बल्कि परमेश्वर में बना रहा, टिका रहा, खड़ा रहा और अड़ा रहा। आज मेरी प्रेयर है कि खुदावन आपके यूथ को, आपके लोगों को पवित्रताई के ऊपर चलने की ताकत और सामर्थ्य, और आपका परिवार और आपके लोग सेम ना हो। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है, ऊंची आवाज में सात बार बोलो आमीन। मेरा बिलीव है आप लोग इस बात को ध्यान से समझेंगे। आमीन। ये किस तरह से यूसुफ ने बरकत को पाया, किस तरह से उसने फिरौन के आंखों पे फेवर को पाया। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को अपने पट्टियों पर, हृदय पर लिख लेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, दोनों की ग्रेस तेरे पे होगी, आदमियों की ग्रेस भी तू पाएगा जिस तरह यूसुफ ने पाई, परमेश्वर की ग्रेस को पाया कि उसने दर्शन का मतलब समझाया, राजा को बताया कि क्या दर्शन का मतलब है, कि 7 साल बहुत फसल होगी, 7 साल अकाल के होंगे, इतने बड़े अकाल होगा वो कि 7 साल की फसल लोग भूल जाएंगे। ये परमेश्वर का ग्रेस था उसके ऊपर कि कोई जादू टोना करने वाला, कोई किसी भी तरह का कोई पंडित, बाइबल कहती उनको ये इस बात का मतलब बता नहीं सका जो यूसुफ ने बताया। ये परमेश्वर का ग्रेस था उसके ऊपर। और उसके बाद मिस्र के राजा ने, फिरौन ने कहा जब तेरे माँ बाप भाई बहन यहां आ जाए तो मैं उनको बेस्ट से बेस्ट मिस्र का देश दूंगा, बाइबल कहती है। ये परमेश्वर का नहीं, ये इंसान का अनुग्रह था उसके ऊपर। नीति वचन 3 उसकी 3-4 अगर है तो उसको निकालेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें स्पेशल लिखा कि परमेश्वर का कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाकर अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। आमेन। आपको ग्रेस चाहिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो, अपने बिजनेस प्लेस में,
अपनी जॉब्स, अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने परिवार में आपको ग्रेस चाहिए, खुदाबंद की भी और इंसान की भी। आमीन। और परमेश्वर ने कहा है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय पर लिख लेगा तो तू ग्रेस को पाएगा, मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप लोग पवित्रताई के वचन को बड़े सीरियसली लेंगे और अपनी लाइफ से उन कमियों को, उन त्रुटियों को दूर किया आपकी लाइफ में ना हो। और हमें लगता है ये छोटा सा काम है, ये तो छोटा सा काम है, इससे क्या हो जाएगा, ये मेरी छोटी सी कमी है मेरी लाइफ की। बाइबल कहती है एसाव ने एक बार के भोजन के बदले में अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया, इसलिए आज आप बोलते हो अब्राहम इजहाक याकूब का परमेश्वर। नहीं तो हम ये कह रहे होते अब्राहम इजहाक एसाव का परमेश्वर। जब दाऊद के घर में मसा करने के लिए नबी गया तो वो दाऊद नहीं था जिस पे परमेश्वर की योजना थी, आपको मालूम होना चाहिए, वो उसका बड़ा भाई था जिस पर परमेश्वर की योजना थी उसको राजा बनाने की। लेकिन वचन कहता है कि वो अयोग्य करार दिया गया। किसी को भी बिना परखे आप अयोग्य करार नहीं देते। आपका स्कूल आपको फेल आपको ये नहीं कहता कि तू टेंथ में नहीं जा सकता जब तक वो आपके पेपर ना ले, तो इसका मतलब परमेश्वर ने उनके टेस्ट लिए और उनको भी मालूम नहीं था कि उनका टेस्ट हो रहा है। हालेलुया। उनको मालूम नहीं था उनका टेस्ट हो रहा है, लेकिन जब वो सामने गए परमेश्वर ने कहा मैं इसे अयोग्य करार देता हूं, सेकंड अयोग्य, थर्ड अयोग्य, सब आ गए, हाँ सब आ गए, ले एक रह गया जो जंगल में रहता है, भेड़ बकरियों को चराता है। जब वो आया परमेश्वर ने कहा यही है, इसे मसा कर। और इसलिए वचन कहते हैं मैं तेरे भाइयों के मध्य में मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन। एक ही घर में दो भाई हो सकते हैं, एक शरीर के अनुसार चलने वाला और एक आत्मा के अनुसार चलने वाला। दोनों की लाइफ अब सेम हो सकती है लेकिन फ्यूचर में सेम नहीं होगी। स्पिरिचुअल चीजों का महत्व है, स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू है। आज एक शारीरिक इंसान और एक आत्मिक इंसान, दोनों का रिजल्ट, दोनों की पोजीशन सेम लग सकती है लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आमेन। मैं अपने दोस्त से मिला, मेरी वाइफ मेरे साथ थी थोड़े दिन पहले, मैं उस जगह से निकल रहा था, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा है तू, तो अपनी शॉप पे ही है, कहता हाँ मैं शॉप में, कहा आजा बाहर मैं तेरी वेट कर रहा हूं। ये मेरा वही दोस्त था जिसने मेरे साथ बपतिस्मा लिया था। हम दोनों एक्साइटेड थे परमेश्वर में आकर, क्योंकि मैं मेंटल अटैक से मैं फ्री हुआ था और वो मेरी हालत को जानता था। उसने मुझे एग्जैक्ट नशे में मेंटल पोजीशन में देखा हुआ था, तो जब मैं परमेश्वर में गया और मुझे सुधार शुरू हुआ तो वो जानता था कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है। अब एक समय आया जब उसकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों विरोध करती थी, इतना विरोध करती थी, बोलते थे कि तुम्हारे पास्टर को पास्टर के घर जाकर पीट के आएंगे, हम मार के आएंगे उसको, क्योंकि मेरी सारी फैमिली जो है वो अभी भी कुछ रिश्तेदार अभी भी हिंदू हैं, तो वो बोलते कि तेरे उसको मार के आएंगे, पीट के आएंगे, तेरे को भी घड़ीस के आएंगे, तो अपने धर्म में वापस आएगा, और चैलेंज करते थे मेरे को। उसकी फैमिली ने एक दिन उसको अपने पास बिठाया और बोला बेटा ना तो तेरी शादी करेंगे, ना तेरे को दुकान मकान में हिस्सा देंगे, तेरे छोटे भाई को सब कुछ दे देंगे, अगर तूने जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ा, हमारी बात नहीं सुनी, तो तेरा पत्ता काट देंगे हम। और सेम प्रेशर मेरे ऊपर था कि तुझे बिजनेस करना है, तुझे टाइल्स का बिजनेस चलाना है, बहुत बड़ा बिजनेस था, तुझे ये काम करना है, तुझे ये क्रिश्चियन लोगों के पीछे नहीं जाना है। मेरा डिसीजन अलग था, मैंने सेवा का फैसला लिया, परमेश्वर के पीछे चला, उसका डिसीजन अलग हो गया और वो परमेश्वर से हट गया। उसकी मैरिज हो गई, उसको दुकान मिल गई, सब कुछ हो गया। जिस माँ ने, जिस बाप ने उसका विरोध किया, जिस भाई ने उसका विरोध किया, एक साल में उसका भाई डूब के मर गया, पहाड़ों में गया। थोड़ी देर बाद माँ को टीबी हो गई, वो मर गई, उसके बाद उसका बाप मर गया। अब वो अकेला है, उसकी मैरिज खराब हो चुकी है, सब कुछ फिनिश हो चुका है लाइफ में, और आज जब हम दोनों मिलते हैं और जमीन आसमान का फर्क लगता है। और एक समय हमने इकट्ठे शुरुआत की थी, और ज्यादा लंबा समय नहीं मैं बोल रहा हूं, जस्ट 15 साल 16 साल की बात कर रहा हूं। शुरुआत आपकी सेम, आज एक शरीर में चलने वाला व्यक्ति,
और एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति जब डिसीजन लेते हैं, शरीर वाला और आत्मा वाला हो सकता है सेम पोजीशन पे लगे, आपको लगे कोई फर्क नहीं है, शरीर में चलने वाला आपको ज्यादा ब्लेस लग सकता है क्योंकि मुझे भी लगा उसकी शादी हो गई, उसको दुकान मिल गई, घर में कलेश खत्म हो गया। छोड़ो यार, परमेश्वर को क्या मानना है, दिल में मान लेंगे परमेश्वर को, जो घर वाले जाते हैं माथा टेक दो वहां जाके, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, घर में कलेश थोड़ी रखना है अभी। इसलिए कि कैंसर का फोड़ा दर्द ना करे, जख्म दर्द ना करे, उसको ना निकलवाओ तो वो आपकी मौत का कारण बन सकता है। अगर उसको निकलवा दो, आज पेन हो सकती है लेकिन आप फ्री हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता तंग है, थोड़े जो इसे पाते हैं, लेकिन खुला रास्ता है, बहुत लोग उसमें जाएंगे। जो खुला रास्ता है, जहां कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई विरोध नहीं है, जो मर्जी खाओ पियो, जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी पार्टी में जाओ, कोई तंग रास्ता नहीं, खुला इंजॉय करो लाइफ को। लेकिन जीसस ने कहा जो मेरा रास्ता है वो तंग रास्ता है और थोड़े हैं जो इसे पाएंगे। लेकिन वचन ये भी कहता है मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। फिर जो क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में होता है वो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते, आमेन, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका कद जो परमेश्वर करता है वो सोच, वो 10 जन्म लेकर भी, शरीर में रहकर भी उसको नहीं पा सकते। हालेलुया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, दोनों की शुरुआत एक सी लगती, शरीर वाला भी एक सा लगता है और स्पिरिट वाला भी एक सा लगता है। तब शरीर वाला हो सकता है ज्यादा आशीषित लगे कि इसको सारा कुछ मिल गया और मैं आत्मा में रह के इतनी डिफिकल्टी सहन कर रहा हूं, परिवार में रोज कलेश। आप इमेजिन करो, आप अपने घर में हो, आपकी माता और पिता से कोई बात नहीं होती। ऐसे चर्च में जब मैं चर्च 50-60 लोग चर्च में आते थे तो मेरा भाई लिख के लगा देता था कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए। वो भी मेरा विरोधी हो गया था कि मेरा हिंदू धर्म किसी की बुराई नहीं करता, कि तेरा धर्म बुराइयां करता है, लेकिन मेरा लिख के कलीसिया के सामने टांग के जाता था वो। आज उसी चर्च में सेवा करता है, मेरे बाप भी, मेरी मां भी, मेरा भाई भी, उसकी पत्नी भी, उसकी बच्ची भी। हालेलुया। और जब उनके, जब परमेश्वर में जो लेके आता लोगों को घड़ी के, जब उसके बेबी नहीं हुआ, शादी मेरे छोटे भाई की मुझसे पहले हुई, कहते है इसने शादी नहीं करनी है, सेवा में चला गया, मेरी शादी करो, ये बंदा गलत है, मेरी शादी करो। शादी कर ली, बेबी नहीं हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 7 10 साल निकल गए। जब उसको वर्ड दिया मैंने परमेश्वर का, बेबी हुआ उसी साल, तो उसे मालूम हुआ कि ये फर्क है मुझमें और इसमें, कि इसने इतने साल परमेश्वर में लगाए हैं, ये फर्क है मुझ में और इसमें, इसने सेवा को नहीं छोड़ा, ये फर्क है इसमें और मुझ में। क्या परखा गया। आपकी फैमिली कभी भी आपके प्रचार पे यकीन नहीं करती, याद रखना। आपकी फैमिली यकीन रखती है आपके लाइफ के रिजल्ट के ऊपर, जो आप दिखाते हैं बाय फोर्स बाय फायर, आमेन। वो आपके प्रचार को नहीं सुनती। मैंने अपने फादर को बैप्टाइज दिया, अपनी मदर को बैप्टिज्म दिया, अपने ब्रदर की वाइफ, मैंने अपने पूरे परिवार को बपतिस्मा दे चुका हूं। और आप इमेजिन करो, एक बार भी बैठकर ऐसे एक सेकंड के लिए बाइबल खोलकर मैंने उन्हें कभी वचन नहीं बताया। जो सुनते चर्च से सुनते और लाइफ देखते मेरी घर पे, वो जीवन देखते हैं पवित्रताई का, अलगताई का, और रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट को सल्यूट करते हैं लोग। आपकी लाइफ में, सुनो मेरी बात, पवित्रताई, सुनो, एक गुण नहीं है पवित्रताई, एक गुण नहीं है, सिर्फ एक गुण नहीं है, एक अच्छा एट्रीब्यूट एक नहीं है, पवित्रताई एक हथियार है आप लोगों के लिए, आप नहीं जानते। आपकी लाइफ का वर्स्ट अटैक जो शैतान ने किया है, आप होलीनेस से उसे खत्म कर सकते हो। वो आपके हस्बैंड पे हो, वो आपके फाइनेंस पे हो, वो आपके बच्चों पे हो, वो आपकी सेहत पे हो, वो आपके आपके किसी भी चीज के ऊपर हो, पवित्रताई को मेंटेन कर लो, प्रेयर को मेंटेन कर लो, सेवा करनी शुरू कर दो, अटैक खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। वो 40 साल पुराना रोग क्यों ना हो, वो 50 साल पुरानी आपकी फैमिली ट्रबल कर्स क्यों ना हो, अगर आप इन चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगे सब चेंज हो जाएगा। हालेलुया। आज मेरा वो दोस्त भी एग्री करता है मेरी बातों से कि तूने स्टैंड लिया इसलिए तू यहां पे है, मैं तेरी ब्लेसिंग के साथ मैच नहीं कर सकता हूं, कहता मैं 1% भी मैच नहीं कर पाता हूं तेरी ब्लेसिंग के साथ। वो खुद इकरार करता है, हम दोनों अभी भी दोस्त हैं,
लेकिन उसे मालूम है कि मैंने एक फैसला लिया था, उसने भी एक फैसला लिया था परमेश्वर में ना चलने का और मैंने चलने का। वो दिन मेरे दुख भरे थे, घर पे जाना, माँ से बात ना होना, बाप से बात ना होना, भाई से बात ना होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, कोई इमोशनल अटैचमेंट, सब खत्म हो गया था घर में। जीसस ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा तू पाएगा, 100 गुना पाएगा। आज मेरा परिवार मेरे साथ ज्यादा अटैच होगा मेरे भाई से भी, क्यों? उसका वचन पूरा हुआ। आमेन। लॉस एंजलिस में ये फर्स्ट मैं सीट डाल के जा रहा हूं। मेरा बिलीव है आप लोग सेवा में जाएंगे, मेरा बिलीव है सुसमाचार आप लोग देंगे, मेरा आमेन। लोग यहां सुसमाचार देने की आदत नहीं, इसलिए मैं जहां भी मेरी ब्रांच ना हो मैं क्रूसेड नहीं करता हूं, क्योंकि लोगों को सुसमाचार देने की आदत नहीं है। जो लोग ब्रांच से बाहर अगर वो क्रूसेड करवाएं वो कभी भी इतना सुसमाचार नहीं कर पाते जितना मेरी ब्रांच कर पाती। हालेलुया। क्योंकि आपको सिखाना है लोगों को कि अगर आप सुसमाचार देंगे, अगर आप सेवा में जाएंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप ब्लेस्ड रहेंगे। आप खामरा में टेस्टमनीज को सुनते हैं, आप अमेजिंग टेस्टमनीज, हंड्रेड्स ऑफ टेस्टमनीज हर संडे हर थर्सडे होती। रीजन क्या? उन लोगों को लगाया है मैंने सेवकाई में, उनके परिवारों को लगाया है सेवकाई में। क्योंकि जब आप सेवकाई में होते हैं पास्टर्स को भी आसानी होती है आपकी लाइफ में हीलिंग करने के लिए, डिलीवरेंस करने के लिए, आपकी लाइफ में बरकत को रिलीज करने के लिए उनको भी आसानी होती है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हैं। आमेन। आप गर्म है तो अगर हथौड़ा पड़ेगा तो जल्दी शेप में आ जाएंगे आप, लेकिन अगर आप ठंडे हैं तो पास्टर हथौड़े मार मार के थक जाएगा और उसका भी विश्वास आप एक दिन खत्म कर दोगे जो आज चर्चिस में हो रहा है। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप लोग सेवा करेंगे, आज एंजल्स आपको टच करेंगे, अनॉइंटिंग आपको छुएगी, आप सेम नहीं होंगे, अपने परिवारों समेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए, बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। आपने तो वचन पढ़ा है, मैंने पूरा होते देखा है। वो सरकारें जो क्रिश्चियन लोगों से नफरत करती हैं, मैंने उसका फेवर पाया है इंडिया में। आज भी मैं आपको बता रहा हूं यह वचन पूरा हो रहा है। वो लोग जो नफरत करते हैं, मिस्री बाइबल लिखा, मिस्री चरवाओं से घृणा करते, नफरत देखते, कैसी तैसी मार दो इनको, और कहते कि जाओ बेस्ट तुम्हारा है, मेरे देश का बेस्ट हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। वो फेवर आप देखोगे इन जीसस नेम, होली स्पिरिट बता रहा है मेरे। एक बंदा जो नफरत करता है मिस्री इसराइलियों से, चरवाहों से, जो घृणा करते, बाइबल कहती नफरत, हेट करते थे उनको, और कह रहे भाई साहब आ जाओ मिस्र देश में, बेस्ट गोशेन देश, हरी चरगाहियों से भरा हुआ तुम्हें देता हूं, मेरे पशु भी तुम रख लो, अधिकारी बन जाओ मेरे पशुओं के, मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। आपने अभी फेवर देखा नहीं, जब आता है आपका दुश्मन भी आप फेवर करके जाता है। बाइबल कहती है पूरे इसराइल में कहीं खाने की जगह नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर को मालूम था खाना कहां है राजा की रसोई में, और कौवे वहां से ला लाकर एलिया को खिलाते थे। और जो बाइबल की और पुस्तकें हैं अगर आप स्टडी करेंगे, एलिया जब उस अकाल से बाहर आया तो अपने शरीर में मोटा हो चुका था, उसका वेट बढ़ चुका था। अकाल के टाइम पर भी परमेश्वर ने कहा मैं तुझे हसमुख रखूंगा, यह वचन पूरा होता है। आमेन। लेकिन क्या हम सेवक हैं? क्या हम सेवकाई में हैं? क्या हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं? क्या हम अलग ताई में हैं? क्या पवित्र ताई में हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को हम वो आदर देते हैं जो हमें देना चाहिए? हैं तो तैयार रहो फेवर लेने के लिए, तैयार रहो नुकसान से बाहर आने के लिए, तैयार रहो नए ग्रेस को, नए अनुग्रह को देखने के लिए खुदाबंद के, तैयार रहो अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। कौन बचा पहले? यूसुफ बचा। उसने कहा अपने भाइयों को, कहता निराश मत होना, पछताना मत कि तूने मुझे बेच दिया। तुमने मुझे बेचा नहीं, यहोवा ने मुझे आगे भेज दिया। धर्मी के ऊपर मुसीबत आई, बाकी पापियों पे नहीं आई। कहते मैं इसलिए आगे आया हूं कि इस देश में आऊं, इसका अन्न बचाऊं और फिर तुमको बचाऊं। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा।
रूबेन अपना घराना नहीं बचा सका, क्यों? बाइबल कहती है अपने पिता की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, अपनी स्टेप मदर के साथ वो सोया, इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे अपना घराना बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और याकूब ने कहा रूबेन तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होगा क्योंकि तू एक व्यभिचारी जन है, एक क्रिश्चियन है लेकिन वो भी आम लोगों के जैसे सब कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि लाइफ में पाप है उसके। अगर पाप नहीं है वो इफेक्टिव होगा, वो होगा आज नहीं तो कल होगा। उसने कहा रूबेन तू लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, आम लोग जैसे जीते तू भी जिएगा क्योंकि तूने अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया है। और यूसुफ बाइबल कहती वो बचा और उसका घराना बचाया जाएगा। आज लोग चर्च में आते बोलते मेरी पत्नी बचाई जाए, मेरा बच्चा आ जाए, मेरे माँ बाप आ जाए, मैं उनको बोलता हूँ तू बच पहले, तू बच गया, तू अच्छी तरह से बच गया और बचा रहा, तेरी फैमिली तेरे पीछे आएगी। वचन कहता है 100% आएगी, 99.999 नहीं, 100% तेरा परिवार बचाया जाएगा। पॉसिबल नहीं, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है कि तुम यीशु मसीह के अनुसार चलो और तुम्हारा घराना बचाया ना जाए, पॉसिबल नहीं। वो आएंगे, मैंने कहा वो खुदावंद लेके आएगा उनको, उसने वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। यूसुफ ने प्रेयर नहीं की खुदावंद मेरे घराने से मुझे मिला, बल्कि पाप से बच के रहा, अकेला था, इमोशनल डिस्टर्ब था, पाप कर सकता था, बहाना था उसके पास, लेकिन वचन था वो परमेश्वर में रहा, अलगताई में रहा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद तेरा आत्मा आज इन लोगों की जिंदगी में कार्य करे, तेरा वचन इन्हें छुए, तेरा आत्मा इन्हें छुए, हर एक अंधकार की शक्ति, पाप की ताकत इनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। आज खुदावंद जितने इस वचन को सुन रहे हैं तेरी पवित्रताई की सामर्थ्य की जिंदगी में आए, पाप का आत्मा इनको छोड़ के जाता रहे इन जीसस ने। हर एक अंधकार की शक्ति, जादू की, टोने की, हर एक गंदगी की ताकत, पाप की ताकत, शैतान की ताकत इनकी लाइफ को छोड़े और निकल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मैं आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूँ, खुदावंद की सामर्थ को, आग को आपकी लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। राइट नाउ मैं देख रहा हूँ स्पिरिट के अंदर एक भाई यहाँ मौजूद है, खुदावंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है आप अपनी पत्नी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं, बावजूद इसके कि आप शादीशुदा हैं और एक ही घर में रहते हैं। आपके बच्चों को भी पत्नी ने अपने पीछे लगाकर आपके बच्चे भी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, आप पेन में हैं राइट नाउ। मैं नहीं जानता आप आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे, खुदावंद का आत्मा आपको, आपके परिवार को टच कर रहा है आज की मीटिंग में। आप देखेंगे खुदावंद के बड़े कामों के आगे हैंड होगा, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं स्पिरिट के अंदर और खुदावंद का आत्मा आपको फ्री करना चाहता है। आज से आप इस वचन को मानेंगे, सेवा करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, मैं देख रहा हूं खुदावंद का रूह आपको फ्री कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, आपकी दोस्ती एक लड़की के साथ है और वो गलत दोस्ती है। आप एक सिस्टर हैं, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, गैर भाषण में बातें करो ऊंची आवाज में। एक सिस्टर का मैं देख रहा हूं आप लेस्बियन हैं और आपको आगे आना होगा। मैं एक लड़की के साथ आपकी दोस्ती देख रहा हूं, बहुत छोटी उम्र की आपकी, और मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा आपको फ्री करेगा अभी। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं, शर्माना नहीं है आगे आने के टाइम। खुदावंद का आत्मा आपको फ्री करना चाहता है राइट नाउ। मैं आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं, आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, आप मैरिड हैं लेकिन आपके सपनों में डेविल आप पर अटैक करता है और आपके साथ गलत काम करता है। आपको आगे आना होगा क्योंकि आज मैं आपके डिलीवरेंस को, आपकी हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। आपके सपने में डेविल आपके साथ गलत काम करता है, आप इससे परेशान हो चुके हैं, खुदावंद का आत्मा को फ्री कर रहा है राइट नाउ। उसका आत्मा आपको आजाद करेगा अभी राइट नाउ। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची 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 आवाज में
आप हैं वो सिस्टर, आप हैं वो इधर, द माइटी नेम ऑफ जीसस, बाय द होली गोस्ट, द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट।